सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड सनी। तो इस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से यूट्यूब से एड कंट्रोल नोटिफिकेशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आपको एक नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब से एड कंट्रोल नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन को आप किस तरीके से बंद कर सकते हो वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइस, यूट्यूब से एड कंट्रोल नोटिफिकेशन वाले प्रॉब्लम को ऑफ करने के लिए सिंपली आप लोगों को अपने सेटिंग्स पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डिवाइस एंड सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपली आप लोगों को डिवाइस एंड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सिंपली कास्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे मीडिया कंट्रोल फॉर कास्ट डिवाइसेस वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली आप लोगों का ये ऑन रहेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली इसे ऑफ कर देना है। इसे ऑफ करने के बाद आपका जो नोटिफिकेशन है यहाँ से वो हट जाएगा, आपको यूट्यूब सेट कंट्रोल नोटिफिकेशन अब देखने को नहीं मिलेगा। So guys, इस तरीके से आप YouTube से एड कंट्रोल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को बंद कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग मीडिया कंट्रोल फॉर कास्ट डिवाइसेस को ऑफ करके आप YouTube से एड कंट्रोल नोटिफिकेशन वाले प्रॉब्लम से बच सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर इस ऑप्शन को बंद करते हो तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। उस प्रॉब्लम में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। So guys, जब आप इसे बंद करते हो तो यहाँ पे आप लोगों का जो स्क्रीन है वो किसी दूसरे के फोन पे शो हो सकता है और आपका जो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है या प्राइवेट चीजें आप रखते हो वो लीक हो सकता है। तो गाइस, इसके बारे में मैंने खुल के बताया और एक वीडियो पर, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको वो वीडियो आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, उस वीडियो में मैंने बताया कि इस ऑप्शन को बंद करने पर आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। उस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि इस ऑप्शन को आपको बंद करना चाहिए या नहीं। उस वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया कि आप बिना इस ऑप्शन को बंद किए आप यूट्यूब से एड कंट्रोल नोटिफिकेशन वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो उस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो को देखने के बाद इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो बिना इस ऑप्शन को बंद किए। सो गाइस, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप आगे चलकर किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़ सको। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना सा इन्फॉर्मेशन था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे रिलेटेड अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम मिलती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।